दर्शकों आपका स्वागत है पुलिस के बारे में। मैं हूँ आपके साथ बीएल पांडे। आज हम आपको दिखाने वाले हैं एक ऐसी संस्था जो जिले में तकरीबन 24 साल से कार्य कर रही है और समाज सेवा की जब बात आती है तो कहीं ना कहीं सबसे ऊपर नजर आती है मथुरा में। तकरीबन इनकी 8 जो है शाखाएं हैं और 8 शाखाएं लगातार समाज सेवा का काम कर रही हैं। आज इनका मैं कहूंगा कैमरामैन से एक बार दिखा दें, जेसीआई मथुरा रॉयल के द्वारा 27वां इंस्टॉलेशन ऑफ ऑथ सेरेमनी का प्रोग्राम यहां पे रखा गया है और मैं कहूंगा दिखा दें एक बार कैमरामैन। तो यहां पे तकरीबन सैकड़ों लोग मौजूद हैं जो कि जेसीआई से जुड़े हुए हैं, वो सब यहाँ पे मौजूद हैं। आज नव निर्वाचित जो इनके प्रेसिडेंट चुने गए हैं उनका आज इसी प्रोग्राम में यहाँ पे इनको सुना गया है। उनको आप देख सकते हैं डिस्प्ले पे, उनको आज पटका पहना के और शपथ दिला के उन्हें आज प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी यहाँ पे दी जा रही है। आप मैं कहूँ यहाँ पे तो आप देखेंगे समस्त जेसीआई के जो लोग हैं, जो पदाधिकारी हैं, समस्त यहाँ पे मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं देवेंद्र शर्मा जी जो कि बाल विकास के अध्यक्ष हैं। भाई साहब से बात करेंगे। सर, आज आपको मुख्य अतिथि चुना गया है क्या? आज अध्यक्ष चुने गए हमारे मुकेश गुप्ता जी जेसी के, और हमारे विमल जी ने उनको पदभार देंगे और बहुत अच्छी परंपरा है। और मैं जेसी के सभी यहाँ पर बंधुओं को, हमारे सोरावाला जी, विकास सोरावाला जी, सुमित जी, राजकुमार जी, हमारे मुकेश जी, हमारे रावल जी, सबको बधाई देता हूँ। यहाँ के पदाधिकारियों ने, इन लोगों ने मुझे बुलाया है और मुझे बहुत अच्छा कार्यक्रम लगा, परिवार सह कार्यक्रम है। सभी भाई के कार्यों को लेकर क्या कहना चाहिए आप? जेसीआई बहुत अच्छा कार्य कर रही है, हमारे जितने भी नौजवान साथी हैं बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। ये थे हमारे साथ देवेंद्र जी, उनका कहना है कि जेसीआई लगातार जिले में मौजूद है। जोन के प्रेसिडेंट अग्रवाल जी आइए बात करते हैं। अग्रवाल जी, आज मथुरा में प्रोग्राम किया गया है, तो क्या क्या प्रोग्राम आपके जेसीआई के तहत या मथुरा में आज किए? तो आज जेसीआई मथुरा रॉयल का निष्ठापन समारोह है जिसमें आज जेसी मुकेश गुप्ता जी ने अध्यक्ष पद की शपथ ली है। और जेसीआई मथुरा रॉयल काफी पुराना चैप्टर है मथुरा का और ये हमेशा से बहुत अच्छे अच्छे कार्य करता आया है। जेसीआई एक ऐसी संस्था है जो सामाजिक कार्य भी करती है और सामाजिक कार्य के साथ साथ जेसीआई ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कराती है। जेसीआई का मेन मकसद है कि सेल्फ डेवलपमेंट, हम अपने, जब हम अपने आप में डेवलपमेंट कर पाएंगे तब हम समाज में डेवलपमेंट कर पाएंगे। तो जेसीआई एक ऐसी संस्था है जो लीडरशिप जनरेट करती है, लीडर्स बनाती है। जैसा कि आपने कहा कि आज मुकेश गुप्ता जी को प्रेसिडेंट चुना गया है, तकरीबन 10 साल का उनका कार्यकाल रहा है जेसीआई में, तो किस तरीके से ये रहा कि 10 साल बाद उनको आज प्रेसिडेंट चुना गया? ये मुकेश गुप्ता जी की खुद की इच्छा है कि वो इतने टाइम बाद आए, जबकि उन्हें कई साल पहले ही प्रेसिडेंट बन जाना चाहिए था। अब उनकी सेल्फ इच्छा है ये तो कि वो इतने टाइम बाद क्यों आए, तो सब लोग सोचते हैं कि इतने एक्टिव होने के बाद भी वो इतने साल बाद अध्यक्ष पद पे आए। आपकी कितनी शाखाएं अभी मथुरा में चल रही है, कितनी शाखाएं एक्टिव हैं आपकी मथुरा में? मथुरा में जेसीआई की करीब 8 चैप्टर हैं इस समय, जिसमें 3 लेडीज हैं, लेडीज चैप्टर हैं और 5 जेंट्स चैप्टर हैं। तो सारे चैप्टर समाज सेवा में इस समय लगे हुए हैं। अभी जेसीआई के बैनर तले क्या क्या काम चल रहा है सर? इस समय जेसीआई के में बैनर के तले मेन ब्लड डोनेशन कैंप है, वृक्षारोपण है और ऑर्गन डोनेशन है। जेसीआई में काफ़ी लोग अपने ऑर्गन्स भी डोनेट करते हैं बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के साथ मिलकर, और बाकी और भी सारे प्रोग्राम है जो जेसीआई इंडिया से टाइम टू टाइम हमारे पास रिपोर्ट्स आती रहती हैं कि हमें ये कार्यक्रम करना है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर बाकी सारे चैप्टर उसी अकॉर्डिंग कार्यक्रम करते हैं। ये थे हमारे साथ जोन प्रेसिडेंट कपिल अग्रवाल जी और उनका कहना है कि जेसीआई 8 शाखाओं के साथ मथुरा में बदस्तूर अपना जो है वजूद बनाए हुए लगातार लोगों की सेवा कर रही है। सारी सेवाओं से उन्होंने अवगत कराया कि जेसीआई के अंतर्गत किस किस तरीके की सेवाएं चलती है। साथ मौजूद हैं आशु गर्ग जी जिन्होंने शुरुआत, जेसीआई की शुरुआत जिन्होंने की, आइए जानते हैं। 27 साल हो चुके हैं
जब कोई आदमी एक पेड़ लगाता है, जब वो पेड़ बड़ा हो जाता है, वो फल देने लगता है, तो उसको कितनी खुशी होती है। आज हमारे साथ आंसू घर किसी मौजूद हैं, इनके द्वारा ये पेड़ लगाया गया और इस पेड़ को आज 27 साल हो गया है। ये जानते हैं एशियाई का 27वां प्रोग्राम है, जैसा कहेंगे, क्योंकि जब पेड़ कोई लगाता है वो फल देने लगता है तो बड़ी खुशी होती है उसे। क्या कहेंगे इसमें? मैं सर जब ये पेड़ लगाया था तो मैंने सोची नहीं थी ये इतना बड़ा परिवार हो जाएगा। तो मैंने जब शुरुआत की थी तो ये सोच की थी कि समाज सेवा और उससे हम लोग जुड़े, नए नए लोग जुड़े, जिससे आप लोगों से भी जानकारी होती है, अधिकारियों से भी होती है, नेताओं से भी अपनी पहचान बनती है। तो इसमें हमारा नेतृत्व सिखाने का होता है, जिस चीज का मेन मोटो, तो उसी को आधार बनाते हुए ये योजना चालू करी थी और आज इतना बड़ा स्वरूप इसका बन गया है। 27वां इंस्टॉलेशन और कैसी खुशी महसूस हो रही है? बहुत खुशी होती है, आप कुछ समझ सकते हैं कि कोई चीज आपने लगाई है वो इतना बड़ा स्वरूप हो जाए, तो इससे ज्यादा खुशी क्या मिलेगी। यही मेरे लिए सबसे बड़ी आज मुकेश गुप्ता जी को प्रेसिडेंट का पदभार दिया गया, शपथ दिलाई गई है, तो किस तरीके से मुकेश गुप्ता जी से आप जो है कामना करते हैं कि मुकेश गुप्ता जी प्रेसिडेंट के पद को संभाल पाएंगे? जिस समय मैंने इसमें मेंबर जोड़े थे, 34 मेंबर जोड़े थे, शायद सबसे बड़ी संख्या थी वो उस समय, तो मैं उम्मीद करूंगा कि वो अधिक से अधिक संख्या जोड़े और अच्छे लोग जोड़े और इसको और ऊंचे नाम पर पहुंचाएं। जैसे हमारे साथ आंसू वर्ग जी, इनका कहना है जब मैंने पेड़ लगाया और आज जब पेड़ इतना बड़ा हो जाए तो बड़ी खुशी होती है देख के कि जिस वृक्ष को हम लगाकर वो फल देने लगे, क्योंकि जिस समय मैंने जेसीआई में शुरुआत की थी उस समय 34 मेंबर इन्होंने जोड़े थे और आज जेसीआई का प्रभाव कितना बड़ा है। धन्यवाद। जेसीआई मथुरा में पूछ रहे हैं या पूरे वर्ल्ड में? वर्ल्ड में बहुत बड़ी संख्या है इसकी। मथुरा में करीबन आज की डेट में 12 चैप्टर हैं जो जेसीआई को चला रहे हैं। 34 मेंबरों से शुरू की हुई आज एक पेड़ आज फल देने लगा है, काफी बड़ी संख्या में हो गया है। आइए चलते हैं, जिनको शपथ दिलाई गई है उनसे सीधा रुख करेंगे उनकी तरफ और उनसे जानेंगे कि उनको ये पद मिला है कैसा लग रहा है। उन्हें हमारे साथ मौजूद हैं नव निर्वाचित प्रेसिडेंट मुकेश गुप्ता जी। मुकेश गुप्ता जी से बात करेंगे। जी, आज आपको प्रेसिडेंट चुना गया है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे जो जेसीआई से जुड़े हुए 10 वर्ष से ऊपर हो चुके हैं, आज यहाँ के लोगों ने, जेसीआई मथुरा के लोगों ने मुझे अध्यक्ष के रूप में चुना है और मैं सभी तरह के सोशल सामाजिक धर्मार्थ कार्य और जेसीआई इंडिया के बैनर के तले अच्छे से अच्छे कार्यक्रम करूँगा। तकरीबन 10 साल का कार्यकाल आपका रहा, तो क्या क्या आपको लगा कि जेसीआई से जुड़ना आपको चाहिए? मैं जेसीआई से जुड़ा था उस 2015 में, उसके बाद में 2017 में मैंने सेक्रेटरी पद रहा था मेरे पास में और अब 2024 में अध्यक्ष पद के लिए मुझे निर्विरोध चुना गया और यह दायित्व आज जो मुझे मिला है, मैं सभी आप लोगों को, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जेसीआई मथुरा रॉयल के सदस्यों को, जेसीआई इंडिया को, सभी को बहुत धन्यवाद देता हूँ। एक बड़ा दायित्व आपको दिया गया है जेसीआई में, किस तरीके से निर्वहन करेंगे आप? मैं अपने अध्यक्ष पद का निर्वहन पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ करूंगा, जिससे सभी लोगों को अच्छे जो है व्यवस्थाएं उपलब्ध हो सकें, सामाजिक क्षेत्र में, धर्मार्थ क्षेत्र में, सभी तरीके से सभी को जो है इसका लाभ मिल सके। अच्छा, जेसीआई के बैनर तले क्या क्या कार्य किए जाते हैं? जेसीआई के बैनर तले वस्त्र वितरण का कार्य हमें और डॉक्टरी जो है कैंप जो लगाए जाते हैं वो सब होते हैं और भूखे निडीज पर्सन हैं उन लोगों को भोजन वितरण किया जाता है। इस तरीके के समाज के क्षेत्र में बहुत कार्य किए जाते हैं। ये थे हमारे साथ नव निर्वाचित प्रेसिडेंट, जिनको आज यहाँ पे प्रेसिडेंट चुना गया है। 10 साल के कार्यकाल के बाद इन्हें यहाँ पे प्रेसिडेंट चुना गया। 10 साल तक इन्होंने जेसीआई में सेवाएं दी है। इनका कहना है कि जेसीआई के बैनर तले हर तमाम वो काम किए जाते हैं जो जन सेवा से जुड़े होते हैं। अभी कोई विद्यालय इन्होंने जो है एडॉप्ट किया हुआ है, जिसमें समय समय पे जो उन्हें जरूरतें होती हैं वो जरूरतें इनके द्वारा पूरी की जाती हैं। तकरीबन 27 साल से जेसीआई मथुरा में अपनी 8 शाखाएं बना के मथुरा के जो जरूरतमंद लोग हैं उनके लिए काम कर रही है और यहाँ पे लाखों लोग जेसीआई के तहत जुड़ के जरूरतमंद लोगों के लिए जरूरत पहुंचा रहे हैं। मैं अपने सहयोगी दीपक सारस्वत के साथ बीएल पांडे, मथुरा।